स्मार्ट मीटर्स को लेकर काफी हाय हल्ला हुआ और जब स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे थे तो जम्मू हो या कश्मीर, दोनों संभागों में खूब प्रदर्शन भी किए गए। पब्लिक सड़कों पर उतर गई और उसने स्मार्ट मीटर्स का विरोध किया। अब तो आपको बताएं, स्मार्ट मीटर्स भी लगे हैं, बकायदा प्रीपेड मीटर्स जो हैं वो भी लगाए गए हैं, क्योंकि अभी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अगर आप बिजली का बिल नहीं भरते हैं तो आपकी बिजली काट दी जाती है और वो पीछे कंपनी के एंड से ही बिजली काट दी जाती है। मैं हूं अमित अजरावत, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप। आज बात करेंगे स्मार्ट मीटर्स की कि क्या जो दावे एलजी प्रशासन ने किए थे कि स्मार्ट मीटर्स लगाने के बाद जम्मू कश्मीर में बिजली जो है वो पर्याप्त सेवा जो है वो जो सर्विस जो है वो आपको मिलेगी बिजली की, बिना बिजली कट के आपके घर में बिजली आएगी, और दूसरा कि क्या जिस कंपनी को ये टेंडर्स दिए गए जिन्होंने स्मार्ट मीटर्स की मेंटेनेंस हो या फिर जो जो लाइट्स हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनकी मेंटेनेंस हो, क्या वो कंपनी ईमानदारी से काम कर रही है। आज हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाएंगे, कुछ ऐसी चैट्स जो हैं वो भी दिखाएंगे कि जिसमें कंपनीज के द्वारा पता चल जाता है कि कंपनीज कितनी इंटरेस्टेड हैं या कितनी संजीदा हैं वो अपने काम के प्रति। ये कुछ ट्वीट जो हैं या फिर एक्स पर किए गए पोस्ट जो हैं आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि EESL जो है इस कंपनी को एक शिकायतकर्ता जो एक कंज्यूमर है वो अपने अपनी शिकायत को लेकर एक्स पर पोस्ट करते हैं और कंपनी बकायदा उसमें रीट्वीट जो है वो उसे उनके जो पोस्ट को दोबारा से रिपोस्ट करती है। जवाब में वो ये लिखती है कि आपकी समस्या जो है जल्द हल हो जाएगी। EESL जो कंपनी है, यानी कि इस कंपनी को ठेका दिया गया था और इस कंपनी के पास इसका टेंडर है कि ये इस जो स्मार्ट मीटर्स हों या फिर इलेक्ट्रिक जो लाइट्स हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, उन स्ट्रीट लाइट्स की मेंटेनेंस, उनकी रिपेयर जो है वो ये कंपनी करेगी। और कंज्यूमर ने भी कंपनी को टैग करके यही बात कही और कंपनी ने तुरंत जब रिप्लाई दिया, जब जवाब दिया, तो उसने कहा कि जल्द आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको बताएं कि मामला कहां से सामने आया। मामला जो है ये त्रिकुटा नगर के वार्ड नंबर 52 पड़ता है, जहां पर एक कॉलोनी, मट्टू कॉलोनी पड़ती है। वहां पर काफी सारे जो स्मार्ट मीटर्स हैं वो डिफंक्ट हो गए हैं, वो खराब हो गए हैं। अब ये भी बताया जाता है कि जो स्मार्ट मीटर्स खराब हुए हैं, उन स्मार्ट मीटर्स के खराब होने के बाद उनका बिल कैसे जनरेट किया जाता है। तो जब ये पता लगा कि उनका बिल एक एवरेज के तौर पर जो एक खुद ही एक अंदाजा लगाया जाता है डिपार्टमेंट या जो कंपनी जिसको जिम्मा सौंपा गया है कि हाँ इस घर में इतना बिल आता था और अभी इसका मीटर अगर खराब हो गया है, सड़ गया है या कोई उसमें और तकनीकी खराबी आ गई है, तो उसका बिल जो है पिछले महीनों का काउंट करके उसकी बिल जो है वो डाला जाएगा। जबकि ये बात कंज्यूमर को बिल्कुल भी पता नहीं होती है। ये इसलिए पता लगा कि जब एक्सचेंज जो है डिवीजन के एक्सचेंज जो है उन्होंने इसमें एक पोस्ट किया हुआ है, उन्होंने भी रिपोस्ट किया हुआ है और उन्होंने इसमें ये जानकारी दी है कि जिस मट्टू कॉलोनी की हम बात कर रहे हैं वहां पर करीब 1200 मीटर लगे हुए हैं, स्मार्ट मीटर्स लगे हुए हैं, जिसमें से कई मीटर्स जो हैं वो अभी काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो मीटर्स चल नहीं रहे हैं, लेकिन पब्लिक के बिल जो है, कंज्यूमर का बिल जो है वो जनरेट हो रहा है। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही जो एनविल एसोसिएट्स है, ये एक और कंपनी इसमें एंट्री होती है, एनविल एसोसिएट्स जो है वो इस काम को जल्द ही करेगी, इस मीटर्स को जल्द ही, आपकी जो शिकायत है उन शिकायतों को जल्द ही उनकी जो समस्या का समाधान करेगी। लेकिन अब बात आती है स्ट्रीट लाइट्स की। आप ये कुछ तस्वीरें देखिए जो हमने अपने फोन से खुद ली हुई हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स कई पोल्स पर, इलेक्ट्रिक पोल्स पर लगाई गई हैं, कईयों पर तो है ही नहीं है। कुछ दिन पहले शास्त्री नगर का इलाका, कुछ दिन पहले वहां पर जो स्ट्रीट लाइट्स जिन पोल्स पर लगी हैं वहां पर कुछ बिजली का ही काम था तो स्ट्रीट लाइट्स खोली गई लेकिन दोबारा से वहां पर इंस्टॉल नहीं करी गई। कई स्ट्रीट लाइट्स पूरा पूरा दिन जलती रहती हैं और आप पब्लिक पर तोहमतें लगाते हो कि आप बिजली चोरी करते हो, तो आपकी जिन कंपनियों को ठेकेदारी दी गई है, जिन कंपनियों को जिम्मा सौंपा गया है, वो कंपनियां ही यहां पर आपकी बिजली बेफालतू में खर्च करवा रही हैं। ये स्ट्रीट लाइट्स आप देखिए चल रही हैं, एक पोल पर स्ट्रीट लाइट है ही नहीं है, एक पर दो दो स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं लेकिन वो दोनों की दोनों डिफंक्ट हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि ये स्ट्रीट लाइट्स आज की बंद नहीं है, ये पिछले 2 से 3 महीने हो गए हैं इन स्ट्रीट लाइट्स को बंद हुए। और कंपनी को कहां मैसेज करना है, कहां
फोन कॉल करनी है, जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो इस लोकेलिटी के लोग हैं, उनका कहना है, उनका दावा है कि हम लगातार कंपनीज को बोलते हैं, लेकिन कंपनी से कोई भी जवाब उन्हें नहीं मिलता है, कोई पॉजिटिव साइन नहीं आता है कि हाँ हम इसे ठीक करेंगे या आपको इतने समय में ये लाइट हमारी टीम जो आकर ठीक कर देगी। अब बात करते हैं कि जो ठेका दिया गया वो एक बड़ी कंपनी को, जो सूत्र बताते हैं कि एक बड़ी कंपनी को ठेका दे दिया गया और क्वार्टरली यानी कि 3 महीने के बाद वो कंपनी जो अपनी बिलिंग है वो करवाती है, और माना जा जो बताया जाता है वो करीब 2 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा, हालांकि ये हमारे सूत्र बताते हैं, और इसमें 2 करोड़ के आसपास शायद कंपनी को रिपेयर और मेंटेनेंस का दिया जा रहा है 3 महीने के बाद, जो कंपनी क्लेम करती है। लेकिन अभी अनविल एसोसिएट जो है वो भी इसमें काम देख रही है, क्योंकि ये एक्सियन जो है उन्होंने खुद दावा किया है, उन्होंने खुद अपने रिपोर्ट में ये बात कही है। तो अनविल एसोसिएट्स कैसे एंटर हुआ, क्या उसको पास ठेका होगा, तभी वो एंटर हुआ होगा, लेकिन बात यह है कि इनकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा। जब इलेक्ट्रिक जो पोल्स पर जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं इनकी देखरेख कौन कर रहा है, कौन इनको ठीक करेगा। दिन में आप देखिए कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लाइट्स जो लगी हुई हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स वो जलती रहती हैं, कोई उनका बटन जो है वो ऑन ऑफ का स्विच जो है वो खराब हो गया हुआ है, कोई उसकी ठीक उसको ठीक नहीं कर रहा है, कोई उसको नहीं देख रहा है कि क्या हो रहा है। दूसरा, जो स्मार्ट मीटर, कई ऐसे स्मार्ट मीटर हैं जो अभी खराब चल रहे हैं। और आपको ये भी बताएं, आपके घर में भी अगर आपका स्मार्ट मीटर खराब है तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्ट मीटर जो है वो पोल पर है, तो पोल पर आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा है कि आपका मीटर चल रहा है या नहीं चल रहा है। और दूसरा, हमने आपको जैसे ये प्रूफ के साथ हमने आपको बताया है कि जिस शख्स ने यहाँ पर पोस्ट किया एक्स पर, उसको बाकायदा कंपनी जवाब दे रही है कि हाँ आपकी समस्या का हम समाधान करेंगे, उनसे उन्होंने एक नंबर भी मांगा, बाकायदा उनका टेलीफोन नंबर और उनसे डिटेल जो है, वार्ड नंबर 52 की का ये मामला है, उन्होंने पूरी डिटेल भी उनसे मांगी और उन्होंने ये आश्वस्त किया कि हम आपकी समस्या को जल्द हल कर देंगे। लेकिन वो शख्स ये भी बताते हैं कि उनके वार्ड में करीब 30 से 32 ऐसे स्मार्ट मीटर्स हैं जो खराब हैं, उसकी पुष्टि तब हो जाती है, ज्यादा वो उस पर मुहर लग जाती है जब एक्सियन जो है डिवीजन के वो ये कहते हैं कि 1200 मीटर्स में से कई मीटर्स खराब हैं, जिनका जिनको ठीक करने का काम जो है वो एनविल एसोसिएट्स कर रहा है और जल्द ही इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो क्या कई ऐसे मीटर्स आज भी खराब होंगे शहर के अलग अलग इलाकों में जहां पर मीटर्स खराब हैं, आपको पता नहीं है लेकिन आपका बिल जो है वो जनरेट हो रहा है, वो विभाग सही बता सकता है या फिर जो कंपनी है वो सही बता सकती है कि भैया अगर आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आपने टेंडर लिया है, आपके पास उस टेंडर में रिपेयर मेंटेनेंस भी है, तो क्या आप उसे ईमानदारी से कर रहे हैं। आखिर कौन इनको पूछेगा, पब्लिक को तो कोई पता नहीं है, पोल पर स्मार्ट मीटर्स लगे हुए हैं, क्योंकि आपने कहा था ये तोहमतें लगी थी जम्मू कश्मीर के लोगों पर कि यहाँ पर बिजली चोरी बहुत होती है, इसलिए अभी विभाग जो है वो कर्जे में है, बिजली खरीदने में के लिए पैसा नहीं है, लोग चोरी नहीं छोड़ते हैं, लोग चोरी इतनी बिजली करते हैं कि हम कहां से पूरी कर पाए, इसलिए स्मार्ट मीटर्स लाए गए, प्रीपेड मीटर्स लगा दिए गए। आजकल तो ऐसा है एक तरह से कि आपकी बिजली पीछे से ही कट कर दी जाती है, प्रीपेड मीटर यानी कि जो बिजली का कंट्रोल है वो पूरा उनके पास है, कंपनी के एंड पर है कि आपने अगर बिल नहीं भरा तो आपकी बिजली काट दी जाएगी। तो क्या आप इस तरह से सहूलियत दे रहे हैं, गर्मियों का सीजन है, अभी भी चल रही है गर्मी, अभी ऐसा मौसम है कि बरसात का मौसम है, इस मौसम में सबसे ज्यादा एसी की जरूरत होती है, लोग बिल भरने को भी तैयार हैं लेकिन उनको आज भी बिजली नहीं मिलती। आप देखिए कहीं भी जम्मू हो, कठुआ हो, सांबा हो, कश्मीर के कई इलाके हैं जहां पर बिजली को लेकर काफी किल्लत जो है वो हो रही है, लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, लोगों का लोग लगातार ये कहते हैं कि यहाँ पर हमारे इलाके में बिजली जो है वो नहीं पहुंच पा रही है, किसानों को काफी दिक्कत हो रही है, जिन्होंने जब पानी लगाना होता था अपने खेतों में धान की रोपाई करी तो उनको लगातार ये समस्याओं का सामना करना पड़ता रहा है, लेकिन सरकार जो है वो लगातार यही, सरकार के पास एक ही बात है, सरकार हो या फिर जम्मू कश्मीर के कुछ नेता भी हैं, कुछ लोग भी हैं जो खुद को ये कहते हैं कि हम बड़े ईमानदार हैं, बाकी सारी पब्लिक चोर है, वो ये कहते रहे हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है फ्री में खाने की आदत पड़ गई है, यहाँ के लोग बिजली का बिल नहीं देना चाहते हैं, यहाँ के लोग स्मार्ट मीटर्स नहीं लगाना चाहते हैं क्योंकि इनको चोरी पसंद है। तो उन लोगों के लिए भी ये आईना है कि क्या वो लोग अब उनकी जो जो मुंह पर जो ताला उन्होंने लगाया है, क्या वो बोलेंगे, क्या वो इसका विरोध करेंगे कि भैया जिस कंपनी को आप ठेका दे रहे हो वो कंपनी आखिर कर क्या रही है, कहाँ है वो कंपनी,
करोड़ों रुपया जो सूत्र बताते हैं, करोड़ों रुपए उस कंपनी को 3 महीने के बाद उसकी पेमेंट होती है, जो बिलिंग होती है कि रिपेयर और मेंटेनेंस वो कर रही है। आखिर वो कंपनी क्या कर रही है, क्या वो ईमानदारी से काम कर रही है, कभी ये पूछा जाएगा? क्या एलजी प्रशासन कभी ये जवाबदेही तय करेगा कि भैया कर क्या रहे हो, हमने आपको यहाँ पर सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए लाया है, ना कि हमने आपकी सहूलियत के लिए, आपको बेनिफिट देने के लिए यहाँ पर आपको हमने टेंडर दिया है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, और इस खबर के बाद हमें लगता है कि विभाग थोड़ा सा जागेगा और कंपनी से जवाबदेही मांगेगा। हालांकि विभाग के अधिकारियों की बात करें, वो तो पूरी तरह से ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब आपने प्राइवेट ही कर दिया सारा सिस्टम, स्मार्ट मीटर्स प्राइवेट कंपनी को पूरा ठेका दे दिया, तो उसमें विभाग भी क्या करेगा? विभाग उस हद तक कर सकता है जहां तक उसके पास सिस्टम है या उसकी जिम्मेदारी जहां तक है। हाँ, विभाग इतना है कि कंपनी को ये पूछेगा कि भैया आप क्या कर रहे हैं, और उसकी रिपोर्ट जो है विभाग अपने आला अधिकारियों को ऊपर, जो बाकी फील्ड में ऑफिसर्स बैठे हैं, वो दे सकते हैं, और ताकि यहाँ पर पब्लिक को पता तो चले कि बिल वाकई में उनके इतना बन रहा है या फिर मीटर खराब है और आपका बिल जो है वो जनरेट हो रहा है। कैसे हो रहा है कि हाँ जी ये पिछला बिल थे, उसी को एक एवरेज मानकर उसके आसपास ही आपका बिल जनरेट किया जा रहा है, भले ही आप घर में ना हो। आजकल लोग कहीं घूमने भी जाते हैं या किसी घर में 2 के बजाय 3 के बजाय 1 AC चलता है किसी दिन 2 AC चलते हैं, तो लेकिन बिल आपको उतना ही बनेगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, स्ट्रीट लाइट्स को लेकर ये सोचना चाहिए कि आपकी स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो कौन ठीक करेगा, या जो जल रही हैं उनको कौन बंद करेगा। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।